गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? वेलकम टू मैथ्स क्लास 6 चैप्टर 10 मेंसुरेशन पार्ट 13 एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। चिल्ड्रेन, आज हम लोग एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग फिगर्स आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 6 यूनिट स्क्वायर्स, विच फिगर है द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। यहाँ पर कुछ फिगर्स है चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्क्वायर्स को कनेक्ट करके फिगर बनाया गया है। उसी ढंग से इस फिगर को भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्क्वायर को कनेक्ट करके बनाया गया है। सबको 6 स्क्वायर्स को कनेक्ट करके बनाया गया है, सारे फिगर्स को। ठीक है चिल्ड्रन, तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसका पेरीमीटर सबसे कम होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर सबसे कम किसका होगा चिल्ड्रन? ये फर्स्ट वाला फिगर का सबसे कम होगा पेरीमीटर, क्योंकि इसको देखिए रेक्टेंगल के फॉर्म में अरेंज किया गया है, तो इसका ज़्यादा एज जो है कनेक्टेड है। तो पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इस फिगर का पेरीमीटर कितना यूनिट होगा? देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यूनिट हो गया, क्योंकि ये 3 यूनिट इसका लेंथ है, तो लेंथ और ब्रेड्थ है 2 यूनिट। तो 3 + 2 = 5 और इंटू 2 होता है 5, 2 = 10, 10 यूनिट इसका पेरीमीटर हुआ। अब ये सब का पेरीमीटर थोड़ा ज़्यादा होगा चिल्ड्रन, जैसे इसको काउंट कर सकते हैं। देखिए ये 1 यूनिट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 और 2 3, 3 + 2 = 5 और ये 4 यूनिट है, 9 और ये 1 = 10 और ये 2 यूनिट, 12 यूनिट हो गया चिल्ड्रन। तो इसका पेरीमीटर ज़्यादा हो गया। उसी ढंग से सबका पेरीमीटर आप काउंट करेंगे तो इससे ज़्यादा आएगा, मतलब कि इसका आंसर होगा ये। तो ऑप्शन नंबर 1 किस में है? डी में, डी का 1। ठीक है, उस ढंग से क्वेश्चन नंबर 2 है चिल्ड्रन, स्क्वायर शेप्ड पार्क ए बी सी डी ऑफ साइड 100 मीटर हैज 2 इक्वल रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइज 10 मीटर × 5 मीटर, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द रिमेनिंग पार्क इज। यहाँ ऑप्शन है चिल्ड्रन, 360 मीटर, 400 मीटर, 340 मीटर और 460 मीटर। अब इस पार्क को देखिए, इस पार्क का पेरीमीटर कितना होगा चिल्ड्रन? इस पार्क का पेरीमीटर होगा 100 मीटर साइड है, तो ये 400 मीटर टोटल इस पार्क का पेरीमीटर हो गया चिल्ड्रन। इस पार्क का पेरीमीटर तो हो गया 400 मीटर, लेकिन रिमेनिंग पार्क जो है उसका बाउंड्री का लेंथ कितना होगा चिल्ड्रन? देखिए चिल्ड्रन, इस पार्क का पेरीमीटर तो 400 मीटर आया, क्योंकि 100 मीटर साइड है, 4 × साइड 400 मीटर। अब ये जो फ्लावर बेड है ये 5 मीटर और 10 मीटर है, 5 मीटर इसका ब्रेड है, 10 मीटर लेंथ है। तो इसको अगर कट कट कर देंगे, इसको निकाल देंगे, तब इस पार्क का पेरीमीटर कितना होगा? दो फ्लावर बेड है सेम साइज का, 10 मीटर × 5 मीटर का है। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन, यहाँ से यहाँ इसको कट करके निकाल देंगे तो हम यहाँ आएंगे और फिर इधर आएंगे। तो ये जो 10 मीटर इधर कट गया चिल्ड्रन, वो 10 मीटर यहाँ आ गया, और ये 5 मीटर जो कटा ये 5 मीटर इधर आ गया। तो जो पार्क का बाउंड्री है, मतलब पेरीमीटर है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ से यहाँ आइए, फिर यहाँ आइए, फिर इधर आइए, ठीक है, फिर यहाँ आइए, फिर इधर जाइए, फिर इधर जाइए, फिर इधर जाइए, तो पेरीमीटर तो सेम रह गया, क्योंकि इधर आप 10 मीटर नहीं चले उसके बदले इधर चले, और इधर ये 5 मीटर नहीं चले इसके बदले इधर चले, तो आपका ये 10 + 5 = 15 मीटर जो कट हो रहा है इस पार्क के बाउंड्री में से, 15 मीटर अंदर बढ़ जा रहा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी ये 5 मीटर और प्लस 10 मीटर, ये जो 10 और 5 कट रहा है ये अंदर चला जा रहा है, तो पेरीमीटर रिमेन्स सेम। इट मीन्स कि पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज 400 मीटर, मीन्स कि 400 मीटर ही होगा पार्क। ओरिजिनल पार्क का एरिया भी 400 मीटर है, पेरीमीटर 400 मीटर है, और
फ्लावर बेड को हटाने के बाद भी पार्क का पेरीमीटर 400 मीटर ही होगा। ठीक है चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रेगुलर हेक्सागॉन्स ऑफ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर ईच आर ज्वाइंड एज सोन इन द फिगर, द पेरीमीटर ऑफ द न्यू फिगर इज। अब हेक्सागॉन है चिल्ड्रन और इसका पेरीमीटर है एक हेक्सागॉन का 30 सेंटीमीटर और दो हेक्सागॉन को जोड़ा हुआ है। अब जो न्यू हेक्सागॉन है इसका मतलब न्यू जो फिगर है इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो ये कट जाएगा इसमें चिल्ड्रन। अब जो हेक्सागॉन बचा, हेक्सागॉन का एक साइड तो चला गया बीच में, तो अब पेरीमीटर निकालना है तो लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो यहाँ से यहाँ ये फाइव साइड ही ऐड होगा चिल्ड्रन। तो फाइव साइड ऐड होगा, तो फाइव साइड का इसका भी फाइव साइड और इसका भी फाइव साइड, तो इसका लेंथ कितना होगा चिल्ड्रन। हेक्सागॉन का पेरीमीटर कितना था 30 और हेक्सागॉन में कितना साइड होता है चिल्ड्रन, 6 साइड, तो एक साइड का लेंथ कितना हुआ चिल्ड्रन 30 / 6 = 5 सेंटीमीटर, मीन्स कि एक साइड 5 सेंटीमीटर हुआ। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 साइड्स है चिल्ड्रन, 1 2 3 4 5 साइड्स, तो 5 × 5 = 25। फिर वैसे ही 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 साइड हुआ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना, फिर वापस यहीं आ जाते हैं घूम करके, तो 10 साइड्स चलेंगे, तो 10 × 5 = 50, तो 5 × 10 करेंगे = 50 सेंटीमीटर, तो आपका पेरीमीटर आएगा 50 सेंटीमीटर न्यू फिगर का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ वॉल वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द वॉल, ट्रू और फॉल्स। चिल्ड्रन पूछा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड करने के लिए हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे, ये फॉल्स है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मीन्स कि एरिया फाइंड करना होता है, कोई वॉल का को पेंट करना है मतलब उसका हम एरिया फाइंड करते हैं, तो फॉल्स हो गया चिल्ड्रन। और नेक्स्ट है, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ फ्रेम ऑफ ए पिक्चर वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पिक्चर, ये ट्रू है चिल्ड्रन, क्योंकि फ्रेमिंग करने के लिए जो कॉस्ट आएगा उस फ्रेम का लेंथ के बराबर आएगा, फ्रेम का लेंथ क्या होता है पेरीमीटर होता है चिल्ड्रन, तो ये ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर रेगुलर हेक्सागॉन्स आर ड्रॉन सो एज टू फॉर्म द डिजाइन एज सोन। यहाँ पर फोर रेगुलर हेक्सागॉन है चिल्ड्रन, रेगुलर हेक्सागॉन जानते हैं, ऑल 6 साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, तो इस टाइप का पिक्चर डिजाइन हुआ। इफ पेरीमीटर ऑफ द डिजाइन इज 28 सेंटीमीटर, अब क्या कह रहा है चिल्ड्रन कि इस पूरा डिजाइन का पेरीमीटर है 28 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक हेक्सागॉन का नहीं, जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ इस तरीके से घूमेंगे तो आपका 28 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ हेक्सागॉन, तो ईच साइड ऑफ हेक्सागॉन का लेंथ निकालना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कितना साइड हम घूमते हैं चिल्ड्रन ये देखना है, तो यहाँ से स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल साइड हो गया चिल्ड्रन 14। ठीक है, तो टोटल साइड हो गया 14, तो ईच साइड का लेंथ कितना हो गया, पेरीमीटर तो है 28, मतलब 28 × 14 = 2 सेंटीमीटर, मतलब हर साइड का लेंथ कितना है चिल्ड्रन, ये 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तभी ये 14 साइड्स का लेंथ 28 सेंटीमीटर आया, जो कि इस फिगर का पेरीमीटर है। ठीक है चिल्ड्रन, तो इस तरीके से पेरीमीटर ऑफ डिजाइन इज 28 सेंटीमीटर विच कंसिस्ट ऑफ 14 साइड्स ऑफ हेक्सागॉन, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच साइड = 28 / 14 = 2 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, इन द गिवन फिगर ऑल ट्राइंगल्स आर इक्विलैटरल एंड AB = 8 units, अदर ट्राइंगल्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय टेकिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। चिल्ड्रन
यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में गिवन है चिल्ड्रेन कि जितना भी ट्रायंगल्स है ये सब इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देख रहे हैं ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है चिल्ड्रेन, पहले ये जानिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल साइड्स इक्वल होता है, मतलब तीनों साइड बराबर होता है। तो यहाँ सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर, मतलब ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। ठीक है चिल्ड्रेन, अब बाकी जब सब जो ट्रायंगल बना है इस सब एक दूसरे का मिड पॉइंट को मिला के बना है, जैसे ए बी तो 8 सेंटीमीटर है। अब ये जो ट्रायंगल बना है, ये जो देख रहे हैं ट्रायंगल जिस पर हम पेंसिल चला रहे हैं, ये ए बी के मिड पॉइंट से बना है, तो ए बी पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना साइड होगा स्टूडेंट, ये होगा 4 सेंटीमीटर और ये भी यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर होगा। तो इस ट्रायंगल का साइड हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, तीनों साइड इक्वल है, तो ये 4 4 4 का इक्विलैटरल ट्रायंगल बना। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये साइड 4 सेंटीमीटर है, अब इसका मिड पॉइंट ये है, तो ये साइड कितना हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया, 4 का हाफ। तो ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है इसका साइड है 2 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल का साइड 2 सेंटीमीटर है, इसका मिड पॉइंट ये है, तो 2 का हाफ होता है 1, तो इस ट्रायंगल का साइड हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ अगर 8 यूनिट दिया हुआ है तो ये 1 यूनिट आया, मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल का लेंथ 8 यूनिट है, सबसे छोटा वाला ट्रायंगल का लेंथ हो गया आपका 1 यूनिट। ठीक है, अब इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना, तो यहाँ ध्यान से देखिए फिगर को चिल्ड्रन। तो हर साइड पर जैसे ए बी एक साइड है, इस टाइप का डिजाइन है, इस साइड पर देखिए 1 2 3 ट्रायंगल है, फिर इस साइड पर भी देखिए 1 2 3 ट्रायंगल है, और फिर इस साइड पर भी देखिए बी सी पर भी एक बड़ा ट्रायंगल, उससे छोटा ट्रायंगल और फिर उससे छोटा ट्रायंगल। तो इसका पेरीमीटर जो होगा इस तरीके से होगा, जैसे बी से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ जाएंगे, ये 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, ये देखिए ये 2 सेंटीमीटर है, प्लस ये 1 सेंटीमीटर, प्लस ये 1 सेंटीमीटर, प्लस ये 1 सेंटीमीटर, प्लस 1 सेंटीमीटर, प्लस 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर के घूम करके यहाँ आने में आपका ये कितना हो गया चिल्ड्रेन, ये सबको ऐड कर देंगे और ऐसा ऐसा 3 बार ऐड करेंगे तो पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से फाइंड करते हैं चिल्ड्रेन, तो पेरीमीटर ऑफ द फिगर इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, यहाँ तक देखिए आता है 4 2 6 प्लस 1 7 8 9 प्लस 2 11 प्लस 4 14 15। तो ये यहाँ तक 15 आया चिल्ड्रेन, तो 15 3 जा 45 यूनिट्स इसका पेरीमीटर आएगा। यहाँ पर तक देखिए वैसे ही लिख देंगे, फिर यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ये 4 4 प्लस 4 प्लस, अब ये देखिए 2 हो जाएगा, प्लस ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, प्लस ये फिर 4, फिर ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ये 2 हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा, तो टोटल आपका 45 यूनिट्स। सबको ऐड कर दीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए और फिर वापस यहाँ तक आ जाइए, बी से स्टार्ट कीजिए, बी ही तक आ जाइए फिर से वापस, तो ये आपका पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा 45 यूनिट्स। ठीक है चिल्ड्रेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जीबिशन हॉल देयर आर 24 डिस्प्ले बोर्ड्स, ईच ऑफ लेंथ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर। देयर इज 100 मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम स्ट्रिप विच इज यूज टू फ्रेम बोर्ड्स, हाउ मेनी बोर्ड्स विल बी फ्रेम्ड यूजिंग दिस स्ट्रिप, फाइंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम स्ट्रिप रिक्वायर्ड फॉर द रिमेनिंग बोर्ड्स। यहाँ पर क्या है चिल्ड्रेन, एक एग्जीबिशन हॉल है, उसमें 24 डिस्प्ले बोर्ड्स लगा हुआ है, ये डिस्प्ले बोर्ड्स है चिल्ड्रेन, एक एग्जीबिशन हॉल में 24 डिस्प्ले बोर्ड्स लगा हुआ है, इसका साइज है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर × 1 मीटर। ठीक है, और एक एल्युमिनियम स्ट्रिप है 100 मीटर का, तो ये जो फ्रेम है डिस्प्ले बोर्ड्स है इसमें एल्युमिनियम का फ्रेम लगाना है, तो
कितना बोर्ड में फ्रेम हम लगा सकते हैं इस 100 मीटर स्ट्रिप से, और कितना मीटर स्ट्रिप और ज़रूरी होगा बाकी बचा हुआ बोर्ड में फ्रेम करने के लिए, ये निकालना है चिल्ड्रेन। तो हम एक डिस्प्ले बोर्ड का क्या करेंगे, इसमें पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। तो लेंथ ऑफ डिस्प्ले बोर्ड है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.50 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 1 मीटर, पेरीमीटर ऑफ वन डिस्प्ले बोर्ड इक्वल टू 2 × L + B इक्वल टू 2 × 1.50 + 1.00 इक्वल टू 2 × 2.50 इक्वल टू 5 मीटर। तो वन डिस्प्ले बोर्ड का पेरीमीटर हो गया चिल्ड्रन 5 मीटर, ठीक है। इट मीन्स कि वन डिस्प्ले बोर्ड में फ्रेमिंग करने के लिए 5 मीटर एल्युमिनियम स्ट्रिप लगेगा। इस 100 मीटर का एल्युमिनियम जो स्ट्रिप है, एक फ्रेम में, एक बोर्ड में 5 मीटर लगेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ डिस्प्ले बोर्ड्स कितना है चिल्ड्रन, 24 है। तो पेरीमीटर ऑफ 24 डिस्प्ले बोर्ड्स कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, 24 × 5 = 120 मीटर। मीन्स कि 120 मीटर एल्युमिनियम स्ट्रिप लगेगा 24 डिस्प्ले बोर्ड्स को फ्रेम करने के लिए। लेकिन एल्युमिनियम स्ट्रिप का लेंथ कितना है चिल्ड्रन, 100 मीटर ही दिया हुआ। इट मीन्स कि 20 मीटर एल्युमिनियम स्ट्रिप और रिक्वायर्ड होगा। ये सेकंड क्वेश्चन है कि कितना एल्युमिनियम फ्रेम और रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि 120 मीटर लगना चाहिए, लगेगा, और 100 मीटर ही है, तो 20 मीटर एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन इसके पहले फाइंड करना है चिल्ड्रन कि 100 मीटर जो एल्युमिनियम स्ट्रिप है, इससे कितना डिस्प्ले बोर्ड में फ्रेमिंग होगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एल्युमिनियम स्ट्रिप अवेलेबल है 100 मीटर, नंबर ऑफ बोर्ड्स डैट कैन बी फ्रेम्ड यूजिंग 100 मीटर स्ट्रिप्स इक्वल टू कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, 100 / 5, क्योंकि 100 मीटर स्ट्रिप का लेंथ है और एक डिस्प्ले बोर्ड में 5 मीटर लगता है। तो कितना डिस्प्ले बोर्ड इससे हो जाएगा, 100 / 5 इक्वल टू 20 डिस्प्ले बोर्ड में फ्रेमिंग हो जाएगा। एक आंसर तो ये हो गया चिल्ड्रन। अब लेंथ ऑफ एल्युमिनियम स्ट्रिप्स रिक्वायर्ड फॉर रिमेनिंग बोर्ड्स, क्योंकि बोर्ड्स तो 24 था, 20 बोर्ड्स में होगा, तो रिमेनिंग बोर्ड्स में जो और एल्युमिनियम स्ट्रिप लगेगा वो कितना लगेगा, 120 - 100, क्योंकि 120 टोटल लगना था 24 में और माइनस 100 मीटर था, तो 20 मीटर और एल्युमिनियम स्ट्रिप लगेगा। या इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, 120 - 100 जो कि है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि 20 बोर्ड्स में हो गया फ्रेमिंग, तो 4 बोर्ड्स और बचा, टोटल 24 बोर्ड्स है, तो 4 बोर्ड्स में कितना होगा, 4 × 5, क्योंकि 1 बोर्ड में 5 मीटर लगता है, तो 4 बोर्ड्स में 4 × 5 मतलब 20 मीटर एल्युमिनियम स्ट्रिप और लगेगा। तो इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं चिल्ड्रन, हर हालत में 20 मीटर एल्युमिनियम स्ट्रिप और नीडेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रेन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ द पार्क सोन इन द फिगर, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ ₹20 per meter, देयर इज अ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड इन द सेंटर ऑफ द पार्क, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्यूरिंग द फ्लावर बेड एट द रेट ऑफ ₹50 per square meter। इसमें चिल्ड्रेन एक फिगर है दिया हुआ, इसका बाउंड्री का लेंथ फाइंड करना है, आउटर बाउंड्री ऑफ द पार्क। तो आउटर बाउंड्री तो आप जानते हैं, इसका फाइंड कर लेंगे। पेरीमीटर ऑफ द पार्क इक्वल टू हो गया 200 मीटर, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, जैसे एक पॉइंट लगा लीजिए, 200 मीटर प्लस 300 मीटर प्लस 80 मीटर प्लस 300 मीटर प्लस 200 मीटर प्लस 260 मीटर इक्वल टू आ गया 1340 मीटर। ये तो हो गया फर्स्ट आंसर, आउटर बाउंड्री का लेंथ, ठीक है। अब कह रहा है कि रेट ऑफ फेंसिंग है 20 per meter, तो फेंसिंग का कॉस्ट कितना होगा चिल्ड्रन, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू ₹20 × perimeter 1340 इक्वल टू ₹26,800, ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है चिल्ड्रन। पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये। अब तीसरा कह रहा है कि इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड है, इसका लेंथ है 100 मीटर और ब्रेथ है 80 मीटर, ठीक है। तो इस फ्लावर बेड को मैन्यूरिंग करने का कितना कॉस्ट आएगा, जबकि रेट दिया हुआ था क्वेश्चन में ₹50 per square meter। तो इस फ्लावर बेड का क्या निकालेंगे चिल्ड्रन, मैन्यूरिंग करना है तो इसमें एरिया निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ फ्लावर बेड 100 मीटर, ब्रेथ ऑफ फ्लावर बेड 80 मीटर,
एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 100 मीटर इंटू 80 मीटर इक्वल टू 8000 मीटर स्क्वायर। तो ये तो एरिया हो गया चिल्ड्रन। अब रेट ऑफ मैन्यूरिंग है ₹50 पर स्क्वायर मीटर, 50 पर स्क्वायर मीटर रेट ऑफ मैन्यूरिंग है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्यूरिंग द फ्लावर बेड इक्वल टू ₹50 इंटू 8000 इक्वल टू 4 लाख हो जाएगा चिल्ड्रन। 8 × 5 = 40 के ऊपर 40 और लगाएंगे तो ये 4 लाख रुपीज, 4 लाख कॉस्ट होगा मैन्यूरिंग का। तो ये थर्ड आंसर हो गया चिल्ड्रन। एंड लास्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, अ मैगजीन चार्जे ₹300 पर 10 sq cm एरिया फॉर एडवर्टाइजिंग। अ कंपनी डिसाइडेड टू ऑर्डर अ हाफ पेज एडवर्टीजमेंट इफ ईच पेज ऑफ द मैगजीन इज 15 cm × 24 cm, वाट अमाउंट विल द कंपनी हैज टू पे फॉर इट। कह रहा चिल्ड्रन कि मैगजीन में एडवर्टीजमेंट देने का चार्ज है ₹300 पर 10 cm², मतलब 10 cm² का एडवर्टीजमेंट देने में ₹300 चार्ज लेता है। तो एक कंपनी जो है मैगजीन में एडवर्टीजमेंट देने के लिए डिसाइड करता है हाफ पेज पर, ठीक है। तो पेज के एरिया पर डिपेंड करेगा, एडवर्टीजमेंट के एरिया पर डिपेंड करेगा उसका कॉस्ट। तो हाफ पेज का एरिया कितना होगा निकालना है चिल्ड्रन, उसके अकॉर्डिंग आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो और मैगजीन का पेज का जो साइज है 15 cm × 24 cm है, तो ये पेज का एरिया फाइंड कर लेंगे मैगजीन का, उसका हाफ कर देंगे तो हाफ पेज का एडवर्टीजमेंट का एरिया हो गया। और उस एरिया को 10 से डिवाइड करेंगे और ₹300 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पर 10 cm² का कॉस्ट है ₹300, ठीक है। तो कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा, तो लेंथ ऑफ द पेज ऑफ मैगजीन 24 cm, ब्रेड्थ इक्वल टू 15 cm, एरिया ऑफ वन पेज ऑफ द मैगजीन इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 24 cm × 15 cm इक्वल टू 360 sq cm। तो एक पेज का एरिया हो गया मैगजीन का चिल्ड्रन 360 sq cm, लेकिन एडवर्टीजमेंट है हाफ पेज पर, तो एरिया ऑफ एडवर्टीजमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ हाफ पेज ऑफ द मैगजीन इक्वल टू हाफ इंटू 360 sq cm, क्योंकि एक पेज का एरिया इतना है तो इसका हाफ हो जाएगा, हाफ पेज का एरिया इक्वल टू 180 sq cm। 360 को 2 से डिवाइड करेंगे 180 sq cm आएगा, मीन्स कि एडवर्टीजमेंट का एरिया हो गया 180 sq cm। अब चार्ज फॉर एडवर्टीजमेंट इक्वल टू ₹300 पर 10 cm², 1 cm² का चार्ज नहीं है चिल्ड्रन, 10 cm² का चार्ज है ₹300। इसका मतलब 1 cm² का चार्ज हो गया ₹30, है ना। इसलिए टोटल चार्ज फॉर एडवर्टीजमेंट इक्वल टू ₹300 × 180 / 10 करेंगे चिल्ड्रन, क्योंकि 10 sq cm का चार्ज है 300। तो 180 sq cm को 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब 180 / 10 और इंटू ₹300, या ऐसे भी कर सकते हैं 300 / 10 × 180, बात बराबर है। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया चिल्ड्रन, नीचे बच गया 1, ऊपर बच गया 18 और इधर इंटू 300। तो ₹300 × 18 इक्वल टू ₹5400, ये एडवर्टीजमेंट का चार्ज आया चिल्ड्रन। इट मीन्स कि द कंपनी हैज़ टू पे ₹5400 फॉर द एडवर्टीजमेंट। तो आज के वीडियो में इतना है चिल्ड्रन, ये चैप्टर 10 मेंसुरेशन का लास्ट वीडियो था चिल्ड्रन, पार्ट 13। तो आशा है कि मेंसुरेशन चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को देखते रहिए, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। और अगर यह वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।